उत्तराखंड में तवा घाट लिपू लेक राष्ट्रीय राजमार्ग के गर्भाधार में सोमवार को लैंडस्लाइड हुआ। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गर्भाधार पिथौरागढ़ जिले में धारचूला को चीन सीमा से जोड़ने वाली सड़क है। खबर है कि इस सड़क के बंद होने के कारण आदि कैलाश यात्रा पर गया एक यात्री दल फंस गया। स्थानीय प्रशासन लैंडस्लाइड के कारण अलर्ट मोड पर है। पिछले चार दिनों से गर्भाधार में सड़क पर लैंडस्लाइड होने के कारण बंद थी। सीमा सड़क संगठन इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। सोमवार को सड़क खोल दी गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहां पर भयंकर लैंडस्लाइड हो गया। सोमवार को कुछ समय के लिए सड़क खुलने पर यदि कैलाश के तीसरे और चौथे दल के यात्री और अन्य वाहनों की आवाजाही शुरू होने वाली थी, लेकिन अचानक पहाड़ी दरक गई। लैंडस्लाइड से पहाड़ के साथ साथ वहां बनी सड़क भी गिर गई। बड़ी मात्रा में मलबा आने से तवा घाट लिपुलेक मोटर मार्ग बंद हो गया। राज्य में हर साल भारी बारिश होती है और ऐसी घटनाएं एक आम घटना है। जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित के हवाले से बताया गया है कि हाईवे पार करने वाले सभी यात्रियों को रोक दिया गया और सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। अधिकारी ने कहा कि सड़कों से मलबा साफ होने के बाद राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।